हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स आईएएस। फ्रेंड्स, हमारे जो न्यू व्यूअर्स है उनको मैं बताना चाहूँगा कि इनसाइट्स ने जो 1 जनवरी 2020 से प्रीलिम्स 2020 को टारगेट करते हुए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है उसका इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। सेम इंग्लिश वर्जन का हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप उसका एज ए प्रैक्टिस में बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरी बात, अभी कुछ दिनों से हमने इस वीडियो की जो PDF है आपको देना स्टार्ट किया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलते हैं डिस्कशन की तरफ। टुडेज अवर फर्स्ट टॉपिक इज नॉर्थ ईस्ट गैस पाइपलाइन ग्रिड प्रोजेक्ट। एट प्रेजेंट जो नेचुरल गैस का जो कंट्रीब्यूशन एज ए एनर्जी सोर्स की तरह होता है 6%, तो उसको इंक्रीज करने का टारगेट है गवर्नमेंट का 15%। तो उसी की डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट के अंदर ही ये है नॉर्थ ईस्ट गैस पाइपलाइन ग्रिड प्रोजेक्ट। तो ये कौन से रीजन में होगा? नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ये कनेक्ट करेगा गुवाहाटी को मेजर नॉर्थ ईस्ट सिटीज एंड मेजर लोड सेंटर्स। इसके अंदर जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनकी कैपिटल के अलावा ये कनेक्ट होगा नॉर्थ नेशनल गैस ग्रिड से भी कनेक्ट होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर क्या होगा कि पाइप्ड कुकिंग गैस प्रोवाइड की जाएगी हाउस होल्ड्स को, CNG किसके लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए, एंड फ्यूल टू द इंडस्ट्री। ये जो प्रोजेक्ट है ये एक जॉइंट वेंचर है, ये इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा इंद्रधनुष गैस ग्रिड के द्वारा। और ये इंद्रधनुष गैस ग्रिड एक जॉइंट वेंचर है किसका? 5 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का। कौन कौन सी है? गेल, IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ONGC, ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL। तो आपको याद रखना है ये जॉइंट वेंचर है इंद्रधनुष गैस ग्रिड, उसके द्वारा इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके अंदर प्रोजेक्ट क्या था? इसके अंदर एम था पाइप्ड कुकिंग गैस को प्रोवाइड करना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे क्या होगा तो ये अचीव करेगा कलेक्टिव ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट ऑफ द ईस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया। और जो आपका नेचुरल गैस है वो ऐसे एक क्लीन सोर्स भी है एनर्जी का, तो आपका ग्रीन हाउस गैस का इमिशन भी बहुत कम होगा। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो उससे क्या होगा कि अभी मैंने बताया 6% से गवर्नमेंट का टारगेट है नेचुरल गैस पर इंक्रीज करने का एनर्जी मिक्स में 15%। ये एट प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट का जो नेशनल गैस ग्रिड है उसके अंदर जो पाइपलाइन है वो 16 किलोमीटर तक अवेलेबल है और उसको अब 14 किलोमीटर उसमें और ऐड करना है। तो उसी की डायरेक्शन में ये है नॉर्थ ईस्टर्न पाइपलाइन ग्रिड प्रोजेक्ट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? रीजनल इम्बैलेंस है किसके डायरेक्शन में, तो नेचुरल गैस को एक्सेस करने की डायरेक्शन में वो रिमूव होगा और ये प्रोवाइड करेगा क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल थ्रू आउट द कंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा ये कनेक्ट करेगा गैस सोर्सेज टू द गैस डिमांड सेंटर, जहाँ सोर्स है उसको डिमांड सेंटर से कनेक्ट करेगा। और ये डेवलप करेगा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स इन वेरियस सिटीज़ फॉर द सप्लाई ऑफ CNG एंड PNG। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना, एग्जाम में जो स्कीम होती है उसका ऑब्जेक्टिव आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। ओके, CNG क्या होता है? कंप्रेस नेचुरल गैस, PNG पाइप नेचुरल गैस। सेकेंड टॉपिक LIGO। LIGO प्रोजेक्ट क्या है? बेसिकली जो आपकी ग्रेविटेशनल वेव्स है उसको ऑब्जर्व किया गया था 2017 में फर्स्ट टाइम पे। अभी सेकेंड टाइम उसको ऑब्जर्व किया गया है, इसे ये LIGO वीरगो साइंटिस्ट जो आपका ग्रुप है उसके द्वारा इंटरनेशनल टीम है, किसके साइंटिस्ट के थ्रू? LIGO वीरगो साइंटिस्ट की जो इंटरनेशनल टीम है उसके थ्रू उसको जो ग्रेविटेशनल वेव है उसको ऑब्जर्व किया गया। ये बेसिकली LIGO एक ऑब्जर्वेटरी है किसके लिए? फॉर डिटेक्टिंग कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव्स एंड फॉर कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट। ग्रेविटेशनल वेव्स को आपका डिटेक्ट करने का काम करती है ये LIGO जो ऑब्जर्वेटरी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू यूज ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेशन इन एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ में उसको यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर 3 ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स है, जो कि आपका 2 है हैनफोर्ड वॉशिंगटन नॉर्थ ईस्ट US एंड 1 कहाँ पे? लिविंगस्टन इन लुशानिया साउथ ईस्टर्न US। तो अभी आपको याद रखना है कि 3 इसके ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्टर्स है। द प्रपोज्ड LIGO इंडिया प्रोजेक्ट जो अब एम्स टू मूव 1 एडवांस्ड LIGO डिटेक्टर फ्रॉम हैनफोर्ड टू इंडिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया की सिग्निफिकेंस की बात करें तो एक जो डिटेक्टर सेंटर है उसको मूव करना है कहाँ? हैनफोर्ड से इंडिया में। अगर LIGO इंडिया प्रोजेक्ट की बात करें तो ये पायलट प्रोजेक्ट है किसका? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक का। LIGO इंडिया प्रोजेक्ट विल बी जॉइंटली कोऑर्डिनेटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय 3 इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जॉइंटली उसको कोऑर्डिनेट और एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसके एस्टेब्लिश होते ही इंडिया विल जॉइन
ज्वाइन द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट टॉपिक TOI-700D, ये बेसिकली क्या है? TOI-700D नासा ने क्या किया है, एक अर्थ साइज का जो प्लेनेट है उसको डिस्कवर किया है, जो कि स्टार्स के हैबिटेबल जोन में है। अब हैबिटेबल जोन क्या होता है? जो आपका ऐसा रीजन जहाँ पे लोग रह सके, जहाँ लाइफ पॉसिबल हो, उसको बोलते हैं हैबिटेबल जोन, जहाँ का टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा हो और ना बहुत कम हो। अब ये जो आपका अर्थ साइज प्लेनेट मिला है, ये 20% लार्जर देन अर्थ, और ये ऑर्बिट करता है इसके स्टार का नाम क्या है? TOI-700D। अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में सन सेंटर पे है और प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। वैसे ही ये जो अर्थ साइज प्लैनेट मिला है TOI-700D, ये किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? इसका जो स्टार है वो है TOI-700, इसमें डी नहीं है, ठीक है। वंस एवरी 37 डेज द स्टार जो है TOI-700D, इसको बोलते हैं एम ड्वाफ बोलो या रेड ड्वाफ स्टार भी इसको बोलते हैं। ये रफली 40% ऑफ द सन्स मास और साइज के इक्वल है ये जो स्टार है वो, और अबाउट हाफ इट्स सरफेस टेम्परेचर, सन का जो सरफेस टेम्परेचर है उससे हाफ टेम्परेचर है। हैबिटेबल जोन को गोल्डीलॉक्स जोन भी बोलते हैं। वो एरिया होता है अराउंड ए स्टार वेयर देर इज नॉट टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ सराउंडिंग प्लैनेट्स। टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर ना बहुत कम होना चाहिए, तभी वाटर ऐसी लिक्विड कंडीशन में रहेगा। अर्थ की बात करें तो अर्थ इज इन द सन्स गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन को जो होता है हमेशा डिफाइन किया जाता है एक पर्टिकुलर स्टार के रेस्पेक्ट में। तो अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारा सोलर सिस्टम में सन सेंटर पे है, तो सन एक स्टार है और अर्थ जो है वो सन के गोल्डीलॉक्स जोन में है, मतलब हैबिटेबल जोन में है। तो अर्थ के वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। अगर अर्थ आपकी जो ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो की जगह पर होता, जो कि सन से बहुत दूर है, तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता? बहुत कम होता है और वाटर कैसे होता? फ्रीजिंग कंडीशन में होगा। लेकिन अगर अर्थ मरकरी की पोजीशन पे होता, जो कि सन के बहुत क्लोज है, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वाटर कैसा होता? आपका बॉयल हो जाता। तो ये आपको याद रखना है। एम ड्वार्फ स्टार की बात करें तो ये इसको रेड ड्वार्फ स्टार भी बोलते हैं, और जो यूनिवर्स के अंदर जो स्टार्स पाए जाते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा कैटेगरी के स्टार ये रेड ड्वार्फ स्टार या एम ड्वार्फ स्टार की कैटेगरी के पाए जाते हैं, और ये है स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ हाइड्रोजन बर्निंग स्टार। ये इनका जो मास है वो वेरी करता है 0.08 to 0.6 times दैट ऑफ द सन। अपनी जो गैलेक्सी है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है, तो उस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 3/4 जो है स्टार्स है वो रेड ड्वार्फ स्टार्स है। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये नासा की डिस्कवरी है TOI-700D। तो TOI-700 स्टार है और TOI-700D एक अर्थ साइज प्लेनेट है, जिसका साइज कितनी है? अर्थ 20% लार्जर देन अर्थ, अर्थ से 20% ज़्यादा साइज है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट टॉपिक क्यूरेटिव पिटिशंस। जो आपके निर्भया केस के कन्विक्ट्स थे, उनमें से दो लोगों ने आपका क्यूरेटिव पिटिशन को फाइल किया है। क्यूरेटिव पिटिशन का जो इवोल्यूशन हुआ वो सुप्रीम कोर्ट का एक केस था, आपका अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा एंड अदर्स केस 2002। इसके अंदर ये क्यूरेटिव पिटिशन का कंसेप्ट वहाँ से इवॉल्व हुआ। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? टू फोल्ड था, अवॉइड मिसकैरियज ऑफ जस्टिस एंड टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस। अब आपको पता है आर्टिकल 145 पर प्रीलिम्स 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। आर्टिकल 145 के अंदर सुप्रीम कोर्ट कोई भी डायरेक्शन दे सकता है किसी भी लॉ से रिलेटेड, टोटल जस्टिस की बात करता है। तो आर्टिकल 130 का प्रोविज़न अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आपके लॉज है या जो डायरेक्शंस है उनका रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। इन द मैटर ऑफ लॉज एंड रूल्स मेड अंडर आर्टिकल 145 द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी जजमेंट अगर प्रोनाउंस किया है तो उसको रिव्यू करने की पावर है आर्टिकल 137 के अंदर। और ऑर्डर मेड बाय इट सच ए पिटिशन नीड्स टू बी फाइल्ड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट और ऑर्डर। जो ऑर्डर आपका या जजमेंट है उसके 30 days के अंदर ये क्यूरेटिव पिटिशन फाइल होनी चाहिए। अगर प्रोसीजर की बात करें
तो ये मे बी फाइल्ड आफ्टर ए रिव्यू प्ली, जो आपका अभी अभी वाले केस में क्या है, जो रिव्यू पिटीशन फाइल की थी उसको रिव्यू पिटीशन को क्या कर दिया था, डिसमिस कर दिया था, तो उसके बाद में अभी क्यूरेटिव पिटीशन को फाइल किया है, तो मे बी फाइल्ड आफ्टर ए रिव्यू प्ली अगेंस्ट अ फाइनल कन्विक्शन इज डिसमिस्ड. इट कैन बी एंटरटेन इफ द पिटिशनर्स इस्टेब्लिश दैट देयर वॉज ए, अगर पिटिशनर्स को ऐसा लगता है कि वॉयलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, या फिर उसका जो पक्ष है वो नहीं सुना गया है कोर्ट के सामने, तब उस केस में इसको फाइल किया जा सकता है आपका क्यूरेटिव पिटिशन को. इट मस्ट बी रेयर रेदर देन यूजुअल, ये रेयर केस में इसको फाइल करना चाहिए. अब क्यूरेटिव पिटीशन के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जो फाइल किया जाता है तो उस केस में एक बेंच बनती है 3 सीनियर मोस्ट जजेस की, या फिर जो पहले जो जिस बेंच ने ऑर्डर दिया था अगर वो जजेस अभी भी अवेलेबल है, रिटायर्ड नहीं हुए, तो वो वाले उसको हियर करते हैं. और जब वो जज उनको लगता है कि हाँ वास्तव में उसको इस मैटर को वापस उसको उस पर जजमेंट देने की रिक्वायरमेंट है, तब वो क्यूरेटिव पिटीशन को एडमिट करते हैं. द बेंच एट एनी स्टेज ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द क्यूरेटिव पिटीशन, बेंच क्या आपकी सीनियर काउंसिल है उसको इसकी हेल्प ले सकती है, ठीक है. और यूजुअली डिसाइडेड बाय जजेस इन द चैम्बर्स एंड अनलेस अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फॉर ओपन कोर्ट हेयरिंग इज अलाउड. और ग्राउंड फॉर रिजेक्शन की बात करें, अगर वो जो आपका केस है पिटीशन है बिना किसी मेरिट के, तो उस केस में उसको रिजेक्ट भी किया जाएगा और उस पर पेनल्टी भी इम्पोज की जा सकती है. तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्यूरेटिव पिटीशन. नेक्स्ट टॉपिक, गोवा सेंचुरीज एज टाइगर रिजर्व. बेसिकली 2017 के अंदर गोवा की कुछ सेंचुरीज थी जिसको टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए डिमांड चल रही थी. वो कौन कौन सी थी, आपकी महादाई, नेत्रावली एंड कोटीगांव सेंचुरीज और भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनको बनाने की डिमांड चल रही थी कि इनको टाइगर रिजर्व बनाना है. तो अभी ये केस अभी न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज महादाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर 4 टाइगर की डेथ होगी, तो उससे अभी ये डिमांड वापस आ गई है कि ये कुछ जो आपकी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनको टाइगर रिजर्व बनाना है. तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आपको पता है एनवायरमेंट का जो वेटेज है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है. तो ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए ये इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की. मैं आपको मैप में एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं महावीर भगवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर, ये सलीम अली बर्ड सेंचुरी इस लोकेशन पे है, और आपका कोटीगांव सेंचुरी यहाँ पे है. अब हम देखते हैं एक एक के बारे में. फर्स्ट है नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये गोवा के अंदर है, इसके ईस्टर्न साइड पे है कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और आपका नदर्न साइड पे है भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. प्रीडोमिनेंटली इसका जो कैसा क्लाइमेट है, मोस्ट रेसिडियस फॉरेस्ट है विथ पैचेस ऑफ सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट. यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स है, सवारी एंड मैनापी, वेरी इंपॉर्टेंट. अब नेक्स्ट है कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो भी गोवा के अंदर कैनाकोना तालुका के अंदर है, लोकेशन पता होना चाहिए बेसिकली गोवा के अंदर. इसको इस्टेब्लिश किया था 1968-69 के अंदर, और यहाँ की जो वेजिटेशन है वो मेनली है मोस्ट डेसिडियस टाइप. भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मोल्लम टाउन ऑफ गोवा के अंदर है, एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ गोवा एंड कंटेन्स विद इन इट मोल्लम नेशनल पार्क. वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मोल्लम नेशनल पार्क है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है. ओरिजिनली इसका जो नाम था वो मोल्लम गेम सेंचुरी था, और इसको डिक्लेयर किया गया 1969 के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और वापस इसका नाम चेंज करके रख दिया भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. हमें पता रखना है कि भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा के अंदर है और उसके अंदर मोल्लम नेशनल पार्क भी है. यहाँ पे आपने मैप में देख लिया लोकेशन. नेक्स्ट है गोको मॉडल. गोको में बेसिकली नाम से आपको पता चला गया है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट ओन कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड गोको. इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट ओन होगा, ओनरशिप तो किसकी रहेगी, गवर्नमेंट की रहेगी, लेकिन ऑपरेट किसके द्वारा किया जाएगा, प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा. बिकॉज प्राइवेट प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करते ही एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो ये जो मॉडल है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, विल इम्प्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द आर्मी. तो रिसेंटली द इंडियन आर्मी हैज़ इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल इंडस्ट्री पार्टनर्स. उनको आइडेंटिफाई करना है किसको इंप्लीमेंट करने के लिए इस गोको मॉडल को, फॉर इट्स बेस वर्कशॉप्स एंड ऑर्डिनेंस डिपो, जिससे क्या होगा, एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज हो जाएगी. द आर्मी इशूड अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन टू शॉर्टलिस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स विद एक्सपीरियंस इन वेयर हाउसिंग,
लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और फिर जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी, उनकी एफिशिएंसी होगी, उसके अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट करेंगे और वो उनका ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इंक्रीज करने में उसको हेल्प मिलेगी। क्राइटेरिया की बात करें, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसे क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी एन इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, इन रिलेटेड डोमेन्स एंड हैव एन एनुअल टर्नओवर ऑफ 50 करोड़ फॉर ईच ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन कि कौन कौन से जो सर्विस प्रोवाइडर्स है उसका क्या क्राइटेरिया है, वो आप एक बार आपको पता होना चाहिए। अब गोको मॉडल क्या है, बेसिकली इट वॉज वन ऑफ द रिकमेंडेशन, ये रिकमेंडेशन थी शेखटकर कमेटी जो है उसकी एक रिकमेंडेशन थी, इसको गठित किया गया था किसके लिए, टू इन्हेंस कॉम्बैट कैपेबिलिटी एंड रीबैलेंसिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर। गोको मॉडल के अंदर क्या होगा, द असेट ओन बाय द गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो असेट तो किसके पास रहेगा, गवर्नमेंट का रहेगा, लेकिन ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट इंडस्ट्रीज, प्राइवेट प्लेयर्स वो ऑपरेशनल पार्ट करेंगे। द प्राइवेट प्लेयर्स आर गिवन फुल ऑटोनॉमी इन इम्प्लीमेंटिंग द विजन सेट बाय द गवर्नमेंट यूजिंग देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस। सो याद रखना है गोको मॉडल। दैट्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टर्म इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल आर समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा गया 2017 के अंदर। ये सारे टर्म्स किससे रिलेटेड हैं, ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने में और उसको अंडरस्टैंडिंग में ये सारी टर्म्स आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, Which one of the following assumes importance in being a good link between the Eastern Ghats and the Western Ghat? Eastern Ghat or Western Ghat का link के कौन सा आंसर है इसका? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। आप लोकेशन एक बार देखना मैप पे, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व बेसिकली तमिलनाडु का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सी सेट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रिपलेट्स ये सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, कितने ट्रिपलेट्स हो सकते हैं और एक्स वाई जेड क्या है, नेचुरल नंबर, जैसा कि आपको बताया नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, तो इस तरह के कितने पेयर बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पेयर बनाया 1, 2, 3, 1, 3, 3, आप देखेंगे तो ये आपके बनेंगे 10 पेयर्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।